सन 1934 में कार मैन्युफैक्चरर कंपनी फोर्ड के मालिक हेनरी फोर्ड को एक लेटर मिला जिसमें लिखा था V8 इंजन बनाने के लिए मैं फोर्ड का धन्यवाद करता हूँ, आपकी गाड़ी इतनी फास्ट है कि पुलिस और FBI भी मुझे कभी पकड़ नहीं पाती। लास्ट में लिखा था बाय बाय और नीचे था एक सिग्नेचर जॉन डिलेंजर। मैंने कुछ दिन पहले कोल्टन हैरिस नाम के बच्चे की स्टोरी बताई थी। जी हाँ, वही बच्चा जिसने 6 से भी ज्यादा प्लेन चुराए, 65 से भी ज्यादा अपराध किए, वो भी 3 अलग अलग देशों में, और 3 साल तक वो FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में रहा। लेकिन फिर भी पुलिस और FBI उस बच्चे का कुछ उखाड़ नहीं पाई। वो एक बच्चा ही तो था, वो भी सिर्फ 16 साल का। वो गोली की स्पीड से आता और गायब हो जाता। इसी अंदाज के चलते वो लाखों लोगों की नजरों में रॉबिन हुड बन गया और दुनिया उसकी दीवानी थी। उस स्टोरी ने आपको अंदर से हिला के रख दिया था, एक चिल वाली वाइब दे दी थी। लेकिन अगर मैं कहूं जिस बंदे की स्टोरी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उस बंदे के सामने कोल्टन हैरिस भी कुछ नहीं था, कोई बड़ी चीज नहीं थी, तो क्या आप यकीन करोगे? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन एक ऐसा बंदा भी था जो कोल्टन हैरिस का भी बाप था। कोल्टन के तो हजारों या कह लीजिए लाखों फैंस थे, लेकिन उस बंदे के करोड़ों में फैन थे। दिस डेस्परेट पब्लिक एनिमी नाउ राइजेस टू फेम एज एन अंडरवर्ल्ड हीरो। हम बात कर रहे हैं जॉन डिलिंजर की, जो था चोरों का असली शैतान। FBI ने जॉन डिलिंजर को पब्लिक एनिमी नंबर 1 की लिस्ट में डाला था। यह लिस्ट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी लिस्ट में आगे चलकर उसामा बिन लादिन को भी डाला गया था। तो आप सोच सकते हो कि जॉन डिलेंजर कितनी बड़ी तौब थी। जब उसकी मौत हुई तो हजारों लोग उसकी लाश की ओर भागे। लोग डिलेंजर की खून से सनी लाश के ऊपर लेट गए। फैंस इतने पागल हो गए कि उन्होंने अपने हाथ भी डिलेंजर के खून से रंग लिए। तो किसी ने अपने कपड़े उतार डिलेंजर के खून से अपनी टी शर्ट को भिगोना चालू कर दिया। फैंस उसके खून के प्यासे बन चुके थे, वो उसके खून को निशानी के तौर पर अपने पास रखना चाहते थे। कुछ इस तरह की फैन फॉलोइंग थी दुनिया के सबसे बड़े चोरों के शहंशाह जॉन डिलेंजर। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, एक चीज जो लोगों को 21st सेंचुरी में सबसे ज्यादा पसंद है वो है फेम। हर कोई स्टार बनना चाहता है, और उससे भी ज्यादा जो लोग बनना चाहते हैं वो है उनके सुपर फैंस। फैंस की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ सेलिब्रिटीज की। इस फेम के खेल में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कुछ ज्यादा ही स्वैग होता है, कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड, और फैंस भी उन्हीं लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जिनके अंदर स्वैग और एटीट्यूड हो। और अमेरिका में भी 1930 के दशक में कुछ वैसा ही हुआ। वहां के आम लोग किसी सेलिब्रिटी के पीछे नहीं बल्कि फेमस क्रिमिनल्स के पीछे पागल थी। जी हाँ, उन फेमस क्रिमिनल्स के पीछे जो कि दिन दिहाड़े किसी की भी विकेट गिराने को तैयार होते थे, और उन्होंने तो पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा। और इन जैसे क्रिमिनल्स को FBI ने पब्लिक एनिमी का भी खिताब दे रखा था। अमेरिका के लोग इन जैसे क्रिमिनल्स से ऑब्सेस्ड थे, और इतिहास में इन जैसे क्रिमिनल्स को क्रिमिनल सेलिब्रिटीज भी कहा जाने लगा। हमारे यहाँ इंडिया में भी कुछ क्रिमिनल सेलिब्रिटीज रहे हैं जो कि हमेशा से ही मीडिया कवरेज में थे, जैसे कि दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, फुलन देवी एटसेट्रा एटसेट्रा। इनकी डेयरिंग के चलते बहुत से आम लोग इनको अपना आइडल मान बैठे। चाहे वो फैंस क्राइम की राह पर नहीं चलते, फिर भी पता नहीं लोग इन जैसे क्रिमिनल्स के पीछे ऑब्सेस्ड थे। वैसे ही अमेरिका में 1930 के अराउंड काफी क्रिमिनल सेलिब्रिटीज सामने आए। फॉर एग्जाम्पल, बॉनी एंड क्लाइड, मबारके, प्रिटी बॉय फ्लॉयड, मशीन गन कैली, और भी बहुत सारे जो बदनामी की दुनिया में बहुत फेमस हुए, और इस फेम की कीमत उन्हें गोली खाकर चुकानी पड़ी। खैर, अगर जिंदगी में शॉर्टकट मारोगे, खाई में गिरने का खतरा तो हमेशा ही बना रहता है। लेकिन इन क्रिमिनल्स में से जो सबसे लेजेंडरी माना जाता था वो था जॉन डिलेंजर, जो कि उन 6 लोगों में से एक था जिन्हें FBI ने पब्लिक एनिमी नंबर 1 की लिस्ट में डाला था। जैसा कि मैंने बताया, ओसामा बिन लादिन भी उसी लिस्ट में था। जॉन डिलेंजर एक अलग ही किस्म का प्राणी था। मेरा मतलब, वो था तो इंसान ही, लेकिन वो इतना इंटेलिजेंट था, और उसने बैंक लूटने में ऐसे ऐसे मेथड यूज किए जो कोई उस टाइम सोच भी नहीं सकता था। उसके लिए बैंक लूटना सिर्फ पैसा चुराना नहीं था, उसके लिए वो परफेक्शन का खेल था, और उस परफेक्शन को आज भी चोरी करने वाले चोर फॉलो करते हैं। ये वो बंदा था जिसने एक ब्लेड से पुलिस वालों पर फरार हो गया था। ये वो बंदा था जिसने गन पॉइंट पर पुलिस स्टेशन को भी लूट लिया था सिर्फ
हथियारों के लिए। ये एक ऐसा बंदा था जिसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए प्लास्टिक सर्जन को भी हायर कर डाला। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ये अनबिलीवेबल स्टोरी है जॉन डिलिंजर की, द पब्लिक एनिमी नंबर वन। जॉन डिलिंजर का जन्म 1903 में इंडियाना पोलिस में हुआ था। उसका बाप थोड़ा सा क्रैक था, थोड़ा सा खड़ूस था, और जब वो 3 साल का हुआ तो उसकी माँ की विकेट गिर गई, जिसके बाद उसके बाप ने डिलिंजर को उसकी बड़ी सिस्टर के पास भेज दिया और उसकी माँ की नई सौतन घर ले आया। बाद में डिलिंजर जब अपने घर वापिस आया तो उसकी अपनी सौतेली माँ के साथ बिल्कुल नहीं बनी। वो अपनी सौतेली माँ की माँ बहन एक कर देना चाहता था, पर क्या करें, बच्चा था। उसे अपनी यंग एज से ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसने अपना स्कूल भी छोड़ दिया। फिर वो अपनी जिंदगी के लिए थोड़ा सीरियस हुआ और अपना पैशन फॉलो करने लगा। उसके 2 ही पैशन थे, डकैतियां करना और शराब पीना। उसने बचपन से ही ऐसे ऐसे डकैतियों को अंजाम दिया कि बेचारा कोल्टन हैरिस भी शर्मा जाए। कन्यामत विद्यालय 6th क्लास। जब वो 19 साल का हुआ तो उसने नेवी ज्वाइन कर ली। वो इसलिए नहीं कि उसे देश से प्यार था, वो इसलिए क्योंकि वो पुलिस की वांटेड लिस्ट में था। उसने एक कार को चोरी किया था, इसलिए वो शहर से दूर रहने के लिए नेवी में ज्वाइन हो गए। और वो कुछ महीनों के लिए मेनलैंड से दूर शिप में होने की वजह से अपने पकड़े जाने को अवॉइड कर सकता था। लेकिन जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। वो इतना अनडिसिप्लिन्ड था कि उससे वहां भी एक छोटी सी गलती होगी, जिसके बाद उसे नेवी से भी बाहर निकाल दिया गया। और वो छोटी सी गलती थी नेवी की उस शिप को चुराना। लेकिन बहाने वगैरह मारकर, अरे अरे मेरे से ये गलती से हो गया था, तो वो बच गया। नहीं अभी भूख लेंगे तना। और फिर वो वापिस अपने टाउन आ गया। ऐसा नहीं था कि उसने अपनी पुरानी जिंदगी को भुलाने और सुधरने की कोशिश नहीं की थी। उसने एक 16 साल की लड़की बैरिल से शादी की और फिर बहुत सी जॉब्स में अप्लाई किया। लेकिन उसकी बदकिस्मती ये थी कि उसके हाथ कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं। जिसके बाद उसने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें उसे सिर्फ अपने ग्राहकों के पास जाना था और पैसे लेकर आ जाना था। लेकिन पता नहीं क्यों पुलिस को यह बिजनेस बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि पुलिस इस बिजनेस को चोरी करना कह रही थी। क्योंकि लोगों की जेब काटना, वो भी हथियार दिखाकर, एक इलीगल बिजनेस है। लेकिन ये वाला बिजनेस इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ कि जल्द ही उसने खुद को एक हॉलीडे पैकेज गिफ्ट किया, और हॉलीडे की जगह थी हवालात। नहीं, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। उसे 20 साल की सजा हुई क्योंकि वो अपना बिजनेस करते हुए पकड़ा गया। लेकिन 20 साल सिर्फ एक छोटी सी चोरी के लिए काफी टफ सजा थी। बट US जस्टिस सिस्टम को ये नहीं पता था कि सलाखों के पीछे अब ऐसी शख्सियत पैदा हो रही थी जो कि आगे चलकर उनके ही सिस्टम पर भारी पड़ने वाली थी। जॉन डिलिंजर एक यंग और जल्दी प्रभावित होने वाला टीनेजर था। जेल के उन दिनों में कुछ ऐसे कैदियों के ग्रुप को ज्वाइन किया जो कि स्किल्ड बैंक रॉबर्स थे। तो होना क्या था, डिलिंजर को अब उन लोगों ने बैंक रॉबरीज की पूरी ट्रेनिंग दे डाली। सुधरने की बजाय उसने जेल में क्रिमिनल बिहेवियर में और भी ज्यादा मास्टरी कर ली। वाह, जेल ने सिर्फ उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज को बढ़ावा ही दिया, जैसे कि वो अब जेल से बाहर आकर अंजाम देने वाला था। मई 1933, सजा के 10 साल बाद वो जमानत पर छूटकर बाहर आ गया। उस वक्त मंदी अपनी चरम सीमा पर थी और जॉब्स के लाले लगे पड़े थे। लेकिन अपने डिलिंजर भाई साहब को जॉब चाहिए भी नहीं थी, क्योंकि जो स्किल अब उसके पास थी उससे वो बिना जॉब किए भी अमीर बन सकता था। और अब तो उसके नए बिजनेस में उसका साथ देने वाली थी उसकी नई दोस्त मिस थॉम्पसन गन। जी हाँ, वही पबजी वाली गन। तब उस वक्त ये गन बहुत पॉपुलर थी। उसकी जमानत के एक ही महीने में उसने अपने नए करियर की शुरुआत की। उसने अपने पहले बैंक को लूटा और $10,000 लेकर रफू चक्कर हो गया। अगले 3 महीनों में उसने 4 और बैंक्स को ठिकाने लगाया और हर बार हजारों डॉलर्स का कैश चोरी किया। लेकिन जैसे ही डिलिंजर का शुरुआती क्रिमिनल करियर रफ्तार पकड़ने वाला था, पुलिस उसके पीछे पड़ गई। पुलिस ने उसको उसके ओहायो अपार्टमेंट में ट्रैक किया और वहां पुलिस ने डिलिंजर को $2,000 कैश और कुछ हथियारों के साथ पकड़ा। उसके पास कुछ नक्शे भी थे जिसमें शहर से बाहर निकलने के फास्टेस्ट रूट्स बने हुए थे। इसके अलावा पुलिस को उसके पास से इंडियाना पोलिस स्टेट प्रिजन का नक्शा भी मिला, जो कि किसी तरह का जेल ब्रेक प्लान प्रतीत हो रहा था। लेकिन डिलिंजर ने पुलिस को उस नक्शे के बारे में कुछ नहीं बताया। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। कुछ ही दिनों में यह भी ऑब्वियस हो गया कि वो मैप किस लिए बनाया गया था। यह डिलिंजर का एक एस्केप प्लान था उसके पुराने जेल के दोस्तों के लिए, वही
समझ गए होंगे आप, जिन्होंने डिलेंजर को रॉबरी सिखाई थी और जिन्हें वो कुछ महीने पहले जेल में छोड़ाया था। उसकी गिरफ्तारी के 4 दिन बाद ये प्लान अब एक्शन में आने वाला था। ये प्लान उसके खुद के लिए नहीं था बल्कि उसके 8 दोस्तों को इंडियाना पुलिस की प्रिजन से बाहर निकालने का था, क्योंकि वो तो किसी और जेल में कैद था। और इस प्लान को अंजाम देते हुए डिलेंजर के दोस्त जेलर को उंगली दिखाकर भाग खड़े हुए और यूएस में अब वो डिलेंजर गैंग के नाम से मशहूर हुए। अब डिलेंजर गैंग तो यूएस में बन चुकी थी, लेकिन डिलेंजर गैंग का बॉस यानी खुद जॉन डिलेंजर अभी भी एक दूसरी जेल में कैद था। इसलिए अब डिलेंजर गैंग का पहला उद्देश्य ये था कि सबसे पहले उनके सरदार को जेल से रिहा करवाया जाए, वो भी इज्जत से, गाजे बाजे से। इसलिए गैंग के 3 मेंबर्स हैरी पीट, चार्ल्स मार्टले और रसल क्लार्क नकली यानी फेक पुलिस वाले बनकर लीमा काउंटी जेल पहुंचे, जहां डिलेंजर को कैद कर रखा था। और वहां के इंचार्ज को कहा कि वो डिलेंजर को वापस इंडियाना पुलिस जेल में ट्रांसफर करने का ऑर्डर लेकर आए हैं। लेकिन वहां के जेलर को इन 3 पुलिस ऑफिसर्स पर शक हुआ। उस जेलर को ये बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये साले गुंडे जैसे दिखने वाले पुलिस वाले भी हो सकते हैं, जिसके बाद डिलेंजर गैंग का हैरी पीट उसकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता है उस जेलर को ठोक के। अब गैंग का लीडर जॉन डिलेंजर आजाद पक्षी बन चुका था, जिसका काम था उसकी गैंग को अपने नक्शे कदम पर चलाना, यानी बैंक मैनेजर्स की तो अब लगने वाली थी। और वही हुआ। कहानी में अब आपको बहुत मजा आने वाला है। डिलेंजर गैंग ने ओहायो, विस्कॉन्सिन और इंडियाना के बैंक्स पर धावा बोल दिया और बैंक्स की इज्जत लूट ली। ये वर्ड थोड़ा सा अजीब हो रहा है। और बैंक्स के कपड़े फाड़ दिए, बैंक्स के कच्छे उड़ा दिए पर खच्चे उड़ा दिए। चाहे डिलेंजर गैंग एक नई नवेली दुल्हन थी, लेकिन वो अपनी सुहागरात की तैयारी मिलिट्री प्रोसीजन लेवल के साथ करती थी। मतलब हाइस्ट की प्लानिंग मिलिट्री प्रोसीजन लेवल के साथ करती थी। गैंग के मेंबर बैंक्स की जासूसी हमारे इंडियन आशिक लोंडो की तरह हफ्तों पहले ही स्टार्ट कर देते थे। मतलब जहां उन्हें चोरी करनी होती थी, वहां की पल पल की खबर उनके पास होती थी, ताकि वो बैंक की कमजोरियों का फायदा उठा सके। मतलब स्टाफ शिफ्ट के पैटर्न को समझ सके, मतलब मैनेजर किस लोंडिया के साथ सेट है और कौन सा लोंडा किस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, यह सारी डिटेल्स उनके पास होती थी। वो उस एरिया का पूरा डिटेल्ड नक्शा भी तैयार करते थे, ये जानने के लिए कि कहां कहां डिवाइडर हैं, ताकि उनके दरवाजे पर बैठे सल्लू भाई को भागने में कोई प्रॉब्लम ना आए। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे। गैंग के सल्लू भाई को फास्टेस्ट कार अवेलेबल होती थी, जस्ट इन केस कोई दिक्कत हो जाए तो वो एटलीस्ट पुलिस वाली गाड़ियों को पिछाड़ सके थोड़ी देर के लिए। और गाड़ी बैठना पाप है क्या? सारे गैंग मेंबर्स को स्पेसिफिक रोल्स दिए जाते थे, कुछ बाहर नजर रखेंगे और कुछ बैंक के लोकर से पैसे चुराएंगे और बाकी बचे हुए मेंबर्स भीड़ को कंट्रोल में करेंगे। रोल चाहे जो भी हो, सबको हाई क्वालिटी वेपन्स और बुलेट प्रूफ जैकेट मिलती थी। लोकल पुलिस ये अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी कि उनका पला किससे पड़ा है। डिलेंजर गैंग थी ही इतनी प्रोफेशनल, वो फुली प्रिपेयर्ड रहती थी और पुलिस को हर बार चकमा दे देती थी। फिर आगे चलकर एक दिन डिलेंजर गैंग का एक सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गया। फिर क्या होना था? अगले दिन वो पुलिस स्टेशन शहर के नक्शे से गायब हो गया। डिलेंजर गैंग इतना कॉन्फिडेंट बन गया था कि उन्होंने कुछ पुलिस स्टेशन्स को ही अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया और वहां से मशीन गन्स, राइफल्स, पिस्टल्स और बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी चुरा लिए। जिन लोगों को इन गैंग्स को रोकना चाहिए था, अब वो खुद इस गैंग का शिकार बन गए थे, यानी कि पुलिस वाले खुद शिकार बन गए। अब डिलेंजर गैंग एक खौफनाक गैंग बन चुकी थी। जो भी इनके ऑपरेशंस में टांग अड़ाता उसकी कब्र खुद जाती थी। और इसी के चलते 2 पुलिस ऑफिसर्स की भी विकेट गिर गई। जब ओहायो में एक दिन बैंक लूटने के दौरान बैंक मैनेजर ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, उस दिन डिलेंजर ने बैंक मैनेजर की बीवी को उठा लिया। अभी तो और वाक्या सुनते चलो। डिलेंजर इतना हिला हुआ बंदा था कि जब एक रात को इसकी गैंग के मेंबर्स को भूख लगने लगी और सारा बाजार बंद था, तो डिलेंजर ने अपने गैंग वासियों का पेट भरने के लिए पुलिस स्टेशन हाईजैक कर डाला और नाश्ता पानी वहीं किया। इन सब कांडों के बाद डिलेंजर ने सोचा क्यों ना छुट्टियां मनाने के लिए वहां से कहीं दूर जाया जाए। 1934 में वो और उसकी गैंग छुट्टियां मनाने के लिए शिकागो से पहुंचे फ्लोरिडा, फिर टेक्सस, उसके बाद मेक्सिको, फाइनली वो एरिजोना पहुंचे। डिलेंजर अपनी गैंग और अपनी माशूक के साथ छुट्टियों का आनंद ले रहा था और जिस होटल में वो ठहरा था वहां किसी कारण से आग लग गई, पता नहीं क्यों। और जब फायर फाइटर्स आग बुझा रहे होते हैं, तो उसी वक्त एक फायर फाइटर बाहर बैठा बेंच पर ट्रू डिटेक्टिव मैगजीन पढ़ रहा था, जिसमें डिलेंजर गैंग की कुछ तस्वीरें और उनके बारे में लिखा हुआ था। उसने पढ़ते पढ़ते जैसे ही अपना सर उठाया तो उसकी पैंट गीली हो गई, क्योंकि जो तस्वीरें अभी वो मैगजीन में देख रहा था उनमें से गैंग का एक मेंबर बिल्कुल उसकी आंखों के सामने से होता हुआ जा रहा था। फिर वो फायर फाइटर चुपके से इसकी सूचना पुलिस को दे देता है। फिर पुलिस वहां पहुंचती है। डिलेंजर बाथटब में सो रहा था। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसे 4 बंदूकें दिखी और उसने बोला, सालो तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते। डिलेंजर और उसकी गैंग को अरेस्ट कर लिया गया। पूरी गैंग को प्लेन में बिठाकर
इंडियाना लाया गया, जहां उनके स्वागत में हजारों लोगों ने बाइक पर रैली निकाली। लेकिन उसकी पिछली वाली जेल ब्रेक को ध्यान में रखते हुए तो अथॉरिटी ने यह फैसला लिया कि वो डिलेंजर और उसके साथियों को एक ऐसी हाई सिक्योरिटी जेल में बंद करेंगे जहां से कोई भी कैदी भागने के बारे में सोच भी ना सके। और वही हुआ, मैक्सिमम सिक्योरिटी और ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे उसे कैद किया गया। उसे जेल में डालने से पहले उसकी ये वाली फुटेज बहुत फेमस हुई, जहां वो पुलिस पर हंस रहा था और अपनी एक बाजू को प्रोसिक्यूटर के कंधे पर रखे हुए था, यानी उस वकील के कंधे पर जो वकील उसके खिलाफ केस लड़ने वाला था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये हंसी ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं थी। वो जेल एक ऐसी जगह थी जो उसे आगे चलकर बहुत रुलाने वाली थी। उसे जिस जेल में डाला गया वो अनब्रेकेबल थी, उसे कोई तोड़ के भाग नहीं सकता था, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जिन रूम्स में डिलेंजर और उसकी गैंग को रखा गया था वहां रोशनी की एक किरण भी नहीं पहुंचती थी। कोई खिड़की नहीं थी, ना ही कोई रोशनदान था। उसे तो हगने मूतने के लिए भी बाहर की हवा नसीब नहीं होती थी और उसे रोज पीटा जाता था। पुलिस वाले ऐसा इसलिए करते थे ताकि वो अंदर से टूट जाए। डिलेंजर ने अपने मन में बहुत सारे प्लान्स बनाए कि कैसे इस जेल से बाहर भागा जाए, पर जब भी वो कैलकुलेशन करता तो उसे पता चलता कि इस जेल से कभी भी बाहर नहीं निकला जा सकता। एक बार जब पुलिस वाला अंदर घुसा तो उसने पुलिस वाले को पीट दिया, जिसके बाद उसे लोहे की मोटी मोटी जंजीरों और भारी भारी जंजीरों से बांध दिया गया और डिलेंजर गैंग के हर एक सदस्य को अलग अलग रूम्स में रखा गया ताकि वो एक दूसरे से डिस्कशन भी ना कर पाए। मतलब यहां डिलेंजर और उसकी गैंग फंस गई, परमानेंट फंस गई। अब तो डिलेंजर की भी विल पावर ने उसे कह दिया था कि भाई जेल से निकलने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहां से अब तुम्हारी अर्थियां निकलेंगी। डिलेंजर के रूम के बाहर पुलिस ऑफिसर्स अपने हाथों में शॉटगन लिए सर्कलिंग कर रहे थे और जेल से 1 किलोमीटर के दायरे में मानो जैसे पुलिस ऑफिसर्स परेड कर रहे हो। इतनी तगड़ी सिक्योरिटी उस जेल में थी और हमारे डिलेंजर भाई साहब 11 मजबूत दरवाजों के पीछे लॉक्ड थे। अब क्या डिलेंजर उस जेल को तोड़ पाने में सक्सेसफुल होगा या नहीं, कितनी बड़ी और लंबी प्लानिंग उसे करनी पड़ेगी उस जेल को तोड़ने के लिए, क्या वो अपनी गैंग को उस जेल से बाहर निकाल पाएगा या नहीं, ये तो अब हमें इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो आपको ऐसे ऐसे कारनामे पता चलने वाले हैं जिसे सुन आपके पसीने छूट जाएंगे। उन सब कारनामों की बात हम इस एपिसोड के अगले भाग में करेंगे, लेकिन घबराओ मत, टेंशन नहीं लेने का। इसके अगले पार्ट के लिए आपको सिर्फ 3-4 दिन वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आ जाएगा। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि जॉन डिलेंजर ने आगे क्या क्या गुल खिलाए, पुलिस से लेकर FBI के साथ क्या क्या बीता। याद रखना, ये वही बंदा है जिसके खून से हजारों फैंस ने अपने कपड़ों को भिगोया था सिर्फ डिलेंजर की याद के तौर पर। ऐसा आखिर किया क्या होगा इस बंदे ने, जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओवर एंड आउट।